पूरा अच्छे से हो चुका है और अभी इसमें हम ये डालने जा रहे हैं सब्जी, तो भी इसको डाल देंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से राधा मोहन ब्लॉग्स में। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली दोस्तों आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं हमारे ब्लॉग वीडियो में और काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं मेरे भाई और कई सारे फ्रेंड लोग काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। तो यह कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा ब्लॉग वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है और आज का वीडियो एक नई रेसिपी सॉरी दोस्तों आज का वीडियो एक नई रेसिपी के ऊपर होने वाला है। तो राधा जी आज एक कुछ नया बनाने जा रही है जो कि यह चीज़ भी हम आज पहली बार ही खाएंगे और आप सभी के डिमांड पे इस चीज़ को बनाया जा रहा है। तो आप सभी लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखिए आ रहे हैं यहाँ पे पानी का बोतल लेके घूम रहे क्योंकि बगल में हमारे दोस्त सोए हैं बगल वाले रूम में। तो उन्होंने बोतल दिया कि आ रहा जाओ पानी लेकर आओ, तो ये पानी लेने के लिए आ गया। और दोस्तों बाहर काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है और जो मुंबई में आज बारिश दोस्तों 2:30 बजे से शुरू हुई और अभी तक नहीं बंद हुई, सिर्फ बीच में धीमा हुआ था लेकिन अभी तक वह बंद नहीं हुआ। तो देखिए राधा जी वहाँ पर सब सामान इकट्ठा कर रही हैं और अभी बनाने की तैयारी करिए। और अभी हम जस्ट काम से आए हैं आधा घंटा पहले, थोड़ा रेस्ट किए। ये देखिए कैसा पापा पापा बोल रहा है, बोलो आप हेलो बोलो दोस्तों को देखो। और दोस्तों आ रहा है जब एक चोटी बांधता है तब अच्छा लगता है कि दो चोटी बांधता है तब अच्छा लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और राधा जी वहां पर खड़ी है कुछ बोल नहीं रही है, बोलिए क्या बनाने जा रही हैं आप? अभी नहीं बताएंगे, दोस्तों अभी नहीं स्वागत है बताएंगे आप सभी का। अभी आइए आप सबको दिखा कर बताते हैं वैसे क्योंकि क्या आप लोग करते ब्लॉग में हैं आप पहले ही लोग, छोड़ के भाग आप जाते लोग हैं, लास्ट तक खाना नहीं लोगे देखते हैं कुछ लोग। बोलिए तो प्लीज आप लोग यार ब्लॉग को लास्ट तक देखिए, एंजॉय कीजिए। काफी अच्छे अच्छे प्यार आप सभी ने हमारे पिछले वीडियो पे दिया है तो इस वीडियो को आई होप कि बहुत अच्छा प्यार जरूर देंगे जैसे कि आपने पिछले वीडियो भी दिया। और हम किस आ टॉपिक रहे पे थे हो कि आर्या आपको एक चोटी में अच्छा लगता है कि दो चोटी में, ये भी आप कमेंट करके जरूर लाइटर बताइएगा। पता नहीं किधर रख दिया, नहीं मिल ये रहा है देखिए अभी क्या? लाइटर ही गायब हो गया है। तो क्या कहते हैं गांव में कहावत है ना कि पूजा के दिन बकरिए गायब, तो वही वाली हाल है। अभी लाइटर गैस जलाना हुआ तो लाइटर ही गायब हो चुका है। तो दोस्तों अरे बने रहिए अभी ब्लॉग मिल में, गया अभी आपको दिखाएंगे कि राधा जी आज क्या बनाने जा रही हैं। तो दोस्तों देखिए राधा जी जो बनाने जा रही हैं उसका फिर से ये आज क्या कर रही हैं बताइए आप, क्या कर रही हैं आप? तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की सब्जी। सब्जी? हाँ दोस्तों बहुत सारे दोस्त लोग कमेंट कर रहे थे कि इसका भी रेसिपी आप लोग आप बना के बनाइए दिखाइए। तो आज बना रहे जा रही हैं राधा जी बेसन बेसन की की सब्जी, सब्जी। तो और भी आप लोग को दोस्तों दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं। और देखिए मतलब उसको मतलब ये बेसन को भी हम घोर लिए हैं और इसको तावा पर अभी पसर पसर कर बनाएंगे। कैसे बनाते हैं वो सब आप सबको दिखाएंगे। आप लोग ऐसे हमारे ब्लॉग पे बने रहिए। तो भी देखिए इसको मतलब इसमें कुछ नहीं डाले, इसमें यहाँ हल्दी डाले हैं, पे नमक और हल्का सा मसाला और डाले यहाँ पे बस। रखा हुआ है जो मटेरियल, इसमें पड़ेगा प्याज, धनिया का पत्ता, कड़ी का पत्ता और ये लहसुन और मिर्चा एक साथ पीस के रखे हैं। और वहाँ पे ये क्या तेज का पत्ता बोलते हैं दोस्तों, तेज का पत्ता हम तो नहीं खाते, अगर आप लोग खाते तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। खाया नहीं जाता उसको, और चाटा जाता आर्या है। देखिए यहाँ पे घूम घूम के बाहर से अंदर आ रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है क्योंकि जब भी बारिश होती है तो आर्या बहुत खुश हो जाता है नहाने के लिए, लेकिन यहाँ पे पत्रा लगा हुआ तो बेचारा नहीं नहा पाता तो क्या करे। तो दोस्तों ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए, राधा जी आज बनाने जा रही हैं बेसन की सब्जी। जो खाया होगा वो भी कमेंट कीजिए, अभी तो हमने नहीं खाया बेसन की सब्जी तो देखते हैं कैसा राधा जी बनाती है और एक बार कैसा बनाए हमें थे, नहीं लगता बहुत है। पहले बनाए थे जब बहुत आए थे पहले, हम लोग, तो मतलब 2-3 साल बहुत पहले, पहले 3 साल पहले दोस्तों जब हम जब लोग आए थे, पहले शुरू तब शुरू में यहाँ पे आए थे लॉकडाउन तभी। जब लगा था तब बनाए थे। तो ब्लॉग में बने रहिए, ऐसी काफी इंटरेस्ट और मजा आने वाला है। देखिए दोस्तों राधा जी ने बनाना स्टार्ट कर दिया, आपको कैमरे में दिख रहा होगा थोड़ा जगह से। देखिए अभी क्या करनी है, अभी तावे पे तेल लगा पोत दिया और तावा गर्म हो गया। अभी देखिए क्या करने जा रही हैं आप, अभी इसको इसको पसारे अभी इसको उस पर फैलाया जाएगा जैसे आमलेट फैलाया जाए, तो ऐसे देखिए फैला रही हैं। आप सभी को हम बैक कैमरे से दिखा रहे हैं दोस्तों, 1 मिनट। तो देखिए दोस्तों राधा जी उसको बेसन को तावे पर तेल लगा के फैला के उसको अभी क्या कर रही हैं, पका रहे हैं। इसको पका रहे हैं अभी जैसे आमलेट को पकाया जाता है, पहले इसको पका लिया तभी बेसन की सब्जी बनेगी। इसके बाद इसको ऐसे और दोस्तों घूम राधा घूम जी के नहीं आ रही हैं घुमाना क्योंकि कैमरे के एंगल में ये नहीं आ पा रही हैं, तो सो अभी आ गई हैं। आप गोल लोग गोल देखिए काटेंगे इसको छोटा छोटा, जब पक जाएगा थोड़ा। हम नजदीक से दिखा रहे हैं, तो देखिए एकदम पूरा जैसे आमलेट बनाया जाता है वैसे हो गया, लेकिन तावे पे लगता है चिपक गया है, नहीं छोड़ नहीं रहा चिपका है। नहीं है इसको दोस्तों, हम मतलब कोई लोग दोनों तरफ से पका लेंगे,
अभी उसको ढक दिए हैं। ऊपर से थोड़ा कम देगा तो जिससे मतलब हो जाएगा, जल्दी में हो जाएगा, ऐसे टाइम लगेगा दोस्तों, इसलिए तो अभी देखिए दोस्तों एक साइड से हो गया है, तो दूसरे साइड से थोड़ा सा उसको गर्म किया, उसके बाद अभी इसको लपेट रही है। देखिए जैसे अंडे का रोल बनाया जाता है, आप सभी तो देख सकते हैं, अभी उसको लपेट के यानी कि एक हो चुका है, अभी उसको साइड में रख रही है, अभी दूसरा हो बनाएंगे। ये देखिए ऐसे बनता है, इसको काटेंगे बाद में। अभी दूसरा डालने जाए तो दोस्तों अभी आगे आपको दिखाते हैं कि उसको कैसे राधा जी काटेंगी। तो दोस्तों फाइनली राधा जी का जो बेसन का क्या बना रही थी मतलब वो हो चुका इसको है। देखिए देखिए ये बन चुका है, और देखिए कितना अच्छा से गोल गोल बना है। तो अभी इसको छोटा छोटा काटेंगे। तो दोस्तों अभी ये गर्म है ना, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसको काटेंगे, उसके बाद मतलब तो तड़का उड़का दोस्तों इसकी लगाएंगे। खुशबू काफी जबरदस्त आ रही है, आप इसे देखिए कितना मांग रहे अच्छा हैं। से दिख रहा है, बहुत अच्छे से बना है। पहली बार ट्राई किया, लेकिन मतलब मैं यूट्यूब पर वीडियो देखकर बनाने की कोशिश की हूँ, लेकिन देखिए कितने मतलब पूरा रोल गोल बना है और कटेगा बहुत अच्छे से। अभी काटेंगे, उसके बाद आप सबको मतलब दिखाएंगे कि कैसे इसकी रेसिपी बनती है। और दोस्तों देखिए आर्या रो रहा था, तो अपनी मम्मी के पीठ के ऊपर ये चढ़ा हुआ है, मजा खेल आ रहा रहा है है। आर्या, देखिए मजा कैसे आ रहा अभी है, ये देखिए मजा है। इसको ऐसा ही चाहिए, इधर उधर खेलता है, इधर उधर को घूम के ऐसे। अभी इधर देखिए देखिए कैसे बंदरों की तरह लटका हुआ है अपनी मम्मी के ऊपर, और अभी उनको कुछ बनाने नहीं दे रहा है। खिलाने के लिए बोल रहा है, खाना नहीं बनाने दे रहा है दोस्तों। देखिए अभी इसको थोड़ा सा खिला ले, उसके बाद बनाएंगे हम लोग खाना। तो अभी देखिए दोस्तों राधा जी उसे कट कर रही हैं, जो बना के रखी थी और ठंडा हो चुका है, तो उसे कट कर रही हैं। अभी काट काट के उसको देखिए कैसे बारीक करी, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों इसको ऐसे कट किया जाता है। हाँ देखिए आर्या भी दोस्तों खड़े अभी होकर देख सब रहे इसको हैं। मतलब ऐसे छोटा छोटा मतलब काट लेंगे, उसके बाद तब अभी मतलब बनाएंगे। अभी एक कट, अभी कितने पड़े हैं, तीन पड़े हैं, दो कट टोटल गया, दो कर गए, यानी टोटल पास थे, हाँ, क्योंकि हम लोग पांच चार लोग हैं, चार लोग हैं। चार लोग हैं। तो दोस्तों अभी सब चीज होके रेडी हो चुका धुआं की है, तरह अभी मतलब देखिए ये सब सब काट, रेडी हो चुका है। सब हाँ काट कर रख लिए, और कढ़ाई भी रख दिए गरम होने के लिए। कढ़ाई भी गरम हो रहा है, अभी इस पर तड़का लगाएंगे, मतलब मसाला दोस्तों वसाला ये मिला देखने के में कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना शानदार जैसे लग रहा लगता है है। दोस्तों। मैंने एक बार खाया, अपने घर पे खाया है, मेरी चाची बनाई थी, जैसे मछली लगता है मछली। तो अभी अभी आगे आर्या जी, का जो आर्या जी का कार्यक्रम वो पार्ट शुरू होने जा सीखेंगे। रहा है। ये देखिए कढ़ाई रखा है, अब इसमें डालेंगे तेल, और यहाँ पे मसाला पीस के रख चुकी हैं राधा जी, और एक गिलास में क्या अदरक खूनी थी, अदरक वगैरह तेल डाल चुके हैं। और दोस्तों तेल काफी महंगा हो चुका है, तेल खाते खाते हालत खराब हो जा रही है। आपकी क्या हालत है तेल खाते खाते, आप जरूर बताएगा दोस्तों। इतना महंगा जो हो चुका है सब चीजें आर्या ना, खा रहा कि है इंडिया उसको, की इकोनॉमी क्या इधर लगता है कि इतनी बूस्ट करे कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। अब बाहर में मुंबई जैसे शहर में जाके खाना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी यार दोस्तों, काफी चाहे बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है एक एक चीज को, कि इसको इतना ही बनाए कि खा ले नुकसान ना होने पाए। तो अभी देखिए अभी क्या इसमें डालने जा रही है, ये क्या है, मेथी, मेथी और ये दो चीज सौंफ मिक्स है, किया, सौंफ मेथी और सौंफ मिक्स सौंफ कर चुके हैं, और तेल वहां पे गरम हो रहा है। देखिए गरम हो गया है मेरा तेल। तेल गरम हो और चुका ये है, देखिए एक कड़ी पत्ता है, इसको डाल देंगे एक तो कड़ी इसका का स्वाद पत्ता बहुत है। अच्छा आता है, हरा कड़ी पत्ता। गांव में किधर मिलता है, इधर मिलता है हरा कड़ी पत्ता। यहाँ पे सब चीज डालने जा रही है, देखिए आप लोग। और ये लहसुन अदरक और दो मिर्चा खुने हैं, इसका मतलब पेस्ट बनाए, इसे खून कर इसको डालेंगे। इसका तड़का देने पर इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, लहसुन का और मिर्ची का खून कर, पीस कर नहीं खून कर, बहुत अच्छा इसका स्वाद आता है। अब इसको डालेंगे। अभी आप सभी को तड़के का आवाज सुनाई दे रहा होगा, क्या छन छन आवाज आ रही है। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी 2 दिन से भाई वीडियो अंदर क्यों बना रहे, क्योंकि बस तो बाहर बारिश हो रही है तो इसीलिए बाहर नहीं बना रहे, वैसे बाहर बनाने वीडियो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और यहाँ पे देखिए तेज पत्ता डाल दिए, और देखिए कितना मस्त ये हो रहा है। और अभी अभी बाकी प्याज भी सब डाल देंगे, प्याज डाल दे रहे हैं, प्याज भी थोड़ा मतलब पक जाएगा, लाल हो जाएगा प्याज लाल हो भी। जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग काफी मजेदार होने वाला है। और हमारे भाई साहब अभी तो आए नहीं, क्योंकि उनकी डेली का उनका रूटीन अभी बन गया है, 10:30 बजे आएंगे। और दोस्तों नीचे
10 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है, लेकिन हमें बार बार रोज उन्हें कहना पड़ता है कि 10 बजे आ जाओ, देखिए लेकिन 10 बजे नहीं आते वो। ये मसाला है दोस्तों, इसमें क्या पीछे है? एक प्याज, छोटा सा लहसुन है और गरम मसाला है और दो तीन मर्चा है बस, और जीरा है और कुछ नहीं पीसे, सिर्फ इतना धनिया नहीं पीसे, धनिया क्योंकि पिसा हुआ थोड़ा सा उसी को डालेंगे, धनिया पीस कर नहीं डालेंगे, सिर्फ कच्चा मसाला पीसे हैं बस इसमें डालने के लिए, और जैसे मछली में कच्चा मसाला पीस कर बनाते हैं वैसे। देखिए वहाँ पे तड़का देखिए एकदम मस्त हो चुका है, अभी लाल नहीं हुआ प्याज, हल्का कैसे कर रहा हल्का देखिए। और आर्या देखिए यहाँ पे नीचे अंदर बाहर ये खेल रहे हैं, सुबह जब से ये आर्या आया को ना ये बहुत अच्छा लग रहा है, आर्या वैसे ही लेकर ना, जा रहा आर्या है दो खा ऐसे रहा ही है, खा दो लिया आर्या ने। तीन खा लिया आर्या, और लो के बेटा लो, ये देखिए आ रही यहाँ पे, ये देखिए इधर दोस्तों को खिला दो। अरे देखो बेटा, इधर देखो आ रहा, इधर देखो देखिए आ रहा ऐसे ही खा रहा है उसको। अभी वो हो चुका है, लेकिन बट अभी इसमें भी पड़ेगा अलग से वो वो। हो चुका है, वो मतलब जब मसाला वसाला एकदम पक जाएगा, मतलब मसाला जब उसको उतारना रहेगा ना, बंद गैस बंद करना रहेगा तब इसको डालेंगे सबसे लास्ट में। तो अभी तड़का लाल हो चुका है कि नहीं? अभी नहीं, थोड़ा अभी अभी दोस्तों तड़का लाल नहीं हुआ। इतना थोड़ा समय तो दोस्तों चिकन बनाने में ही लगता है जितना इसे बनाने में लग रहा है दोस्तों, लगता है ये और चिकन से भी ज्यादा टेस्टी होने वाला है। हाँ, चिकन से भी टेस्टी होता है, मछली की तरह मछली से भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, जो लोग खाए होंगे उनको पता होगा कि कितना अच्छा होता है। तो अभी देखिए तड़का जल चुका है और राधा जी क्या मसाला डालने जा रही हैं, आप तो देख सकते हैं। हल्दी भी नहीं पड़ा, हल्दी अगर पड़ा रहे हैं क्योंकि पीसा हुआ हल्दी है, इसलिए हम हल्दी नहीं पीसे हैं, अभी हल्दी छिड़ा हुआ है। और हमारे भाई साहब नाम लेते ही हाजिर हो गए, देखिए वहां पे आ गए, ये 100 साल जिएंगे लगता है, नाम लेते ही हाजिर गए। और इसमें दोस्तों भगवान वो करे ये सब 100 साल मिक्स जिए भाई। मसाला है, धनिया वनिया लाल मिर्च पाउडर वाउडर सब कुछ है उसको भी, अभी देख रहे हैं क्या डाल रहे हैं, ये अलग से ये मसाला एक है वो डाल रहे हैं। इसमें धनिया भी है ना, इसीलिए धनिया तो अभी आप देख सकते हैं नहीं मसाला भी डाल चुके हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, मसाला मस्त एकदम एकदम पकने के लिए डाले हैं मसाला, देखिए मसाला भी जबरदस्त खुशबू दे रहा है। इतना तो आइटम चिकन में नहीं पड़ता जितना इसमें पड़ रहा है, और शायद हमारे भाई साहब को ये ना पसंद आए। क्योंकि वो नहीं खाते, वो पता नहीं क्या खाते हैं, अभी नहीं आता है, इसको आएगा ढक पसंद, दिया इतना गया है, अच्छा बनाएंगे अभी कि आप हम सभी उन्हें को चाटते दिखाएंगे रह जाएंगे, अभी इसके देखिएगा बाद क्या होता है। कभी खाए नहीं होंगे। तो दोस्तों पक अभी मसाला क्या हो गया है, चुका है देखिए, एकदम अच्छे से पूरा भुना जा चुका है मसाला, और अभी इसमें पानी डालेंगे, उसके बाद क्या नमक मुड़ाते रखेंगे, पानी और नमक डाल के उसको ढका जाएगा थोड़ी देर के लिए, वो क्या होगा उसके पकेगा, बाद पक पकेगा। जाएगा उसके बाद तब और बात। जो ये मटेरियल है ना दोस्तों, ये बोल रहे हैं सबसे लास्ट में पड़ेगा, अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है सबसे लास्ट में इसको क्यों डालेंगे, सिर्फ मसाले को इसको पका रही है, बहुत अजीब बात है दोस्तों। क्यों मछली जैसे तलका सबसे बाद में डाला जाए तो वैसे ही पड़ेगा। ये देखिए पानी इतना डाल चुकी है, थे जो बेसन मतलब बनाए हैं और इसमें भी थोड़ा डालेंगे, उसमें हल्का डाले थे तो इसमें नीमक डालते रहेंगे। नमक भी पड़ गया और ये धनिया का पत्ता भी लास्ट में ही पड़ेगा शायद, लास्ट में पड़ेगा ना, ये भी लास्ट में पड़ेगा। तो दोस्तों अगर देखते देखते आप सभी को ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दोस्तों देखिए दीजिएगा। अभी ये पानी सब कुछ पड़ गया, अब इसको तोड़ देंगे, पक जाएगा, उसके और बाद दोस्तों जब हमको छींक आ बंद रही है। करना होगा तब जब जबरदस्त उसको ये जो सब्जी है इसको डालेंगे उसमें। छींक आ गई। तो तो दोस्तों आप लोग ऐसे हमारे ब्लॉग पे बने रहिए, अभी आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलते हैं जब हमारा हो जाएगा तब। तो दोस्तों देख सकते हैं, देखिए अब ये मसाला मेरा देखिए किस तरह से पक रहा है, देखिए कितना अच्छा से मतलब बदक रहा है, पक रहा है, ये मसाला पक चुका है, थोड़ा और पकेगा, उसके बाद उसमें डालेंगे बेसन। और देखिए आर्या दूध के लिए रो रहा है, तो दूध इसका खत्म हो गया, पीकर खत्म कर दिया तो मांग रहा है दूध, तो ये दूध नहीं अभी पिएगा, इसको भी सेरेलेक्स खिलाएंगे। और देखिए चड्डी निकाल दिया है, घर खुली हो गया है। और देखिए आर्या के पापा और आर्या के चाचा दोनों लोग उधर बैठे हैं और हम खाना बना रहे हैं, और आर्या परेशान कर रहा है, दूध मांग रहा है, दूध नहीं है बेटा अभी बाद में लेना। दोस्तों देखिए अभी ये पक रहा है, अभी इसको पकने के बाद हम इसमें डालेंगे सब्जी।
तो दोस्तों देख सकते हैं, देखिए मसाला मेरा पक चुका है और पूरा अच्छे से हो चुका है। और अभी इसमें हम ये डालने जा रहे हैं सब्जी, तो अभी इसको डाल देंगे। और ये बदक रहा, लेकिन इसको भी इसके साथ ही डालेंगे हम, ये मेरा बेसन का सब्जी। देखिए सब, तो दोस्तों देखिए मतलब सब डाल दिए हैं। और ये मतलब अभी नहीं तुरंत उतारेंगे, ये थोड़ा पक जाएगा उसके बाद उतारेंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, जैसे एकदम मछली दिख रहा है, मछली की तरह दिख रहा है ना, आप लोग देखिए। तो अभी ये थोड़ा पक जाए उसके बाद उतारेंगे। तो अभी इसको ढक देते हैं थोड़ा देर पकने के लिए, उसके बाद तब अभी पक जाएगा तब इसको उतारेंगे। और इसमें सब पड़ चुका है तो ढक दे रहे हैं तो देखिए दोस्तों, फाइनली ये क्या सब्जी, सब्जी, किस चीज की सब्जी, बेसन की सब्जी होके तैयार हो गई है। तो अभी राधा जी जा रही है हम लोग का खाना निकालने। आप सबको दिखा रहे हैं हम, जैसे कि नजदीक से देखिए हमको खांसी आ चुकी है, और देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है ये। अभी खाएंगे हम लोग, अभी हम लोग का खाना निकाल रही है। तो ब्लॉग में ऐसे बने, ब्लॉग काफी मजेदार तो था ही और होगा भी। तो अभी खाना खाने के बाद मिलते हैं, और आप सभी को बता दें कि इसका स्वाद और टेस्ट कैसा है। हेलो दोस्तों, तो देखिए ये आर्या के पापा और आर्या के चाचा दोनों खाने बैठे हैं। और अभी इन लोगों से पूछते हैं कि कैसा बना है, कैसा बना है, पहली बार बना है दोस्तों। आप लोग भी आ जाइए खाने, देखिए अकेले अकेले खा रहे हैं। अभी दो लोग खा रहे हैं, अभी एक लोग नहीं, आर्या के चाचा नहीं आए खाने। और देखिए आर्या, देखिए थाली में ही गिर गया और खाने के लिए दौड़ रहा है इधर उधर। देखिए गिर गया, खाने नहीं देता, थाली उल्टता है। कल हम शाम को हमको खाने भी नहीं दिया था, तो अभी ये लोग खा रहे हैं, अभी ये लोग खा लेंगे, उसके बाद तब हम खाएंगे दोस्तों। तो हम बताएंगे कि कैसा बना है, हम खाकर खुद बताएंगे कि कैसा बना है। तो आप लोग ऐसे रहिए हमारे वीडियो पर। दोस्तों देखिए, आर्य की मम्मी पूरा थाली भर के खा रही है, सबसे ज्यादा यही ली है। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया, और क्योंकि हम लोग का पेट ही भर गया थोड़ा थोड़ा खा के। काफी अच्छा और काफी स्वादिष्ट बना। अभी आर्य की मम्मी खा रही है, देखिए। हाँ दोस्तों बहुत ही अच्छा बना है, बहुत स्वादिष्ट, पहली बार बना है, बहुत अच्छा बना है। और आर्य देखिए मुंह आप में लोग भी डब्बा आइए लगी हुई है, खाने देखिए हमारे साथ, खा लीजिए। जिसको क्या बोल जिसको रहे आर्य। पसंद है दोस्तों वो हमारे घर आएगा, कभी बनाकर खिलाएंगे। बेसन की सब्जी काफी जबरदस्त और काफी मजेदार बनी, जैसे लग रहा था सही में मछली का क्या, मछली ही बना है। लेकिन ये था बेसन की सब्जी। तो आप लोग आइए खाने। और दोस्तों आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा, प्लीज एक और ये कमेंट करके रेसिपी जरूर आपको कैसी बताइएगा। लगी, बेसन की हाँ, सब्जी? और रेसिपी अच्छा कैसी लगा लगी, हो तो कुछ लाइक गलती कीजिए, अपने हुई दोस्तों के साथ वो शेयर तो क्षमा कीजिए। करिएगा, लेकिन तो कैसी लगी ये बताइएगा आप लोग। और प्लीज हमारे वीडियो को आप लोग ज्यादा ज्यादा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए तो कल मिलेंगे और आपसे नए कमेंट ब्लॉग करिए आप वीडियो के लोग। साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।